गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं आज के सफ़र में जाने के लिए। सुबह के 5:25 हो रहे हैं और निकलने का वक्त हो गया है, तो चलते हैं बाहर और फिर सड़क में बात करते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छोड़। तो निकल गए हैं सड़क में और सड़क पूरा सुनसान है। सुबह के 5:30 बज रहे और हम लोगों के घर से करीबन 1.4 किलोमीटर 1.3 किलोमीटर हम लोग का आसनसोल का बहुत ही फेमस ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड। तो वहाँ पे सुबह सुबह रनिंग करने जाते हैं हम लोग। हम जाते हैं हम मौसम की अगर बात करें तो हल्का हल्का सा ठंड है। ये हमारे घर के तरफ का पीछे का पूरा सड़क सुनसान, इस तरफ सामने सड़क पूरा सुनसान। तो मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा सा है, हल्का हल्का ठंड है। हाथ पैर में थोड़ा ठंड लग रहा है, बट थोड़ा हम लोग रनिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग ठंड थोड़ा कम हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये धान का बिचाली का है। ये धान जब निकल जाता है उसमें का जो बिचाली होता है यहाँ पे गाड़ियों के थ्रू हम लोगों का बनपुर में आता है, जानवर को खिलाने के लिए, गाय हो गया बकरी हो गया खिलाने के लिए आता है। बस ग्राउंड के हम लोग थोड़ा करीब ही पहुँच गए हैं और सड़क पूरा फाँका है। ये आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे एक अंकल आंटी है, वो भी ग्राउंड की तरफ ही जा रहे हैं। लोग अपने कार्यक्रम में लग चुके हैं। ये ठेला में कोयला लोड होकर के जा रहा है। लोग सुबह सुबह 3 बजे ही उठते हैं और कोयला लेकर के आते हैं ताकि हमारे जैसे घरों में चूल्हा जल सके। माइक में कैसा साउंड आ रहा है, ये हेडफोन कनेक्ट करके उससे बात कर रहे हैं हम लोग, कैसा साउंड आ रहा पता नहीं। दोस्तों कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके न्यू अपडेट के लिए तैयार हो जाएं। बहुत ही एडवेंचर भरा सफ़र हम लोगों का होगा। तो ये है हम लोगों का पोलो ग्राउंड और हम लोगों के घर के पास में ये गैलेक्सी मॉल शॉपिंग मॉल है। और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से थोड़ा सा आगे। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे 3 ग्राउंड जो है एक साथ है। एक यहाँ पे है, यहाँ पे क्रिकेट होता है, और यहाँ पे कुछ एग्जर्वेशन टाइप का कुछ लगा है, कुछ डिफरेंट टाइप का सामान वामान बिक्री होता है उसका, एक जो बनाया जाता है वो। क्या कुछ है इसमें उतना कुछ अच्छे से पता नहीं है क्योंकि इसके अंदर में अभी हम गए नहीं हैं। तो ये सेकेंड वाला ग्राउंड है, इसके बाद में जो थर्ड वाला ग्राउंड है हम लोग उसमें जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में भी एक और ग्राउंड है स्मॉल टाइप का, उसमें बुक फेयर लगा है। बुक फेयर मतलब बोई मेला, हम लोग का यहाँ पे बोई मेला कहा जाता है, बोई मेला लगा हुआ है। तो 4 ग्राउंड है, चारों एक साथ है, बैक टू बैक एक के पीछे एक। तो चारों ग्राउंड में हम लोगों का एक्सरसाइज होता है। इसमें ज़्यादातर करके इस वाले ग्राउंड में ज़्यादातर करके ये बुक फेयर या फिर कुछ ना कुछ हर बार लगते रहता है। और जो फर्स्ट वाला ग्राउंड है जो मैंने पीछे दिखाया था, यहाँ पे पीछे दिखाया था, उसमें पहले रनिंग करने के लिए अलाउड था बट अभी चारों तरफ से घेर दिया गया है। तो अभी उसको बाउंड्री वॉल करके अभी उसमें सिर्फ क्रिकेट प्रैक्टिस होता है क्योंकि ग्राउंड का जो है बचा रहे, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ग्राउंड का साइड में एक सर्कल बन जाता है, इसलिए अभी उसको बचाने के लिए उसमें सिर्फ प्रैक्टिस होता है क्रिकेट का। स्कूल का कोई कल्चर फंक्शन होता है। चलते चलते बात करना कितना मुश्किल हो जाता है। थर्ड वाला जो ग्राउंड है वो हमेशा खाली रहता है, वो 10 बंगाल NCC बटालियन का ग्राउंड है, उसमें NCC का प्रैक्टिस होता है तो वो अक्सर खाली ही रहता है। तो तीनों ग्राउंड है, तीनों गवर्नमेंट का है, हम लोग उसी में प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो सीन देखिए, पूरा फाँका सीन है, बहुत ही खूबसूरत सा सीन है। पहुँच गए हम लोगों का ग्राउंड, ये अपना ग्राउंड है। साइकिल लगा हुआ है, लगता है कोई ना कोई आए हैं। सुबह का समय और धीरे धीरे सनराइज होना स्टार्ट हो गया है। दौड़ते दौड़ते पसीना पसीना हो गया, पूरा फॉगी हो गया माहौल, इसलिए वीडियो थोड़ा धुंधला आ रहा है। हालांकि वीडियो धुंधला आता नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ये कैसे मैंने हेडफोन को मोड़ रखा है। मोड़ा इसलिए है कि ये सिंगल अगर ऐसे करके लगाते हैं, इसमें ये मैं दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली में ऐसे लगता है
लेकिन हम इसको क्या किए हैं, इस तरीके से घुमा के यहाँ से इसको फंसा दिए हैं। ऐसे दौड़ते हैं ना, रनिंग करते समय ये हेडफोन क्या होता है, पीछे की तरफ गिर जाता है तो दिक्कत हो जाता है, डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मोड़ के फंसा दिए हैं ताकि ये पीछे ना जाए। एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग ट्राई करना, बहुत ही मज़ेदार शानदार ट्रिक है, हेडफोन गिरेगा नहीं, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस होगा नहीं। लगभग 4 किलोमीटर दौड़ चुके हैं ग्राउंड में। ये जो मेरे पीछे टावर है, ये यहाँ पे ये हाँ ये टावर है, ये हम लोगों का दूरदर्शन का टावर है, दूरदर्शन टीवी टावर, प्रसार भारती जो आता है उसका टावर है। बहुत ही यूनिक टावर है और काफ़ी सालों से है, अभी भी दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होता है कि नहीं होता है पता नहीं, मैं तो टीवी उतना देखता नहीं हूँ। चलिए रनिंग स्टार्ट करते हैं फिर से। रनिंग तो हो गया, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि रनिंग करके लोअर बॉडी का लोअर साइज, लोअर हिस्सा का एक्सरसाइज हम लोग कर लिए, अब थोड़ा सा अपर साइज यानी कमर से ऊपर तक का एक्सरसाइज करना होगा, कमर से नीचे का एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो चला जाए अब ग्राउंड को, आज के लिए अलविदा करेंगे। आज का टारगेट 4-5 किलोमीटर हम लोग रखे थे, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, लगभग 6 किलोमीटर का आज हो गया। कल कोशिश करेंगे इससे और 1 किलोमीटर ज़्यादा जाने का। तो आज का वीडियो यहीं तक,